हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? मैं आज मटर कढ़ाई पुलाव बना रही हूँ। आप लोगों ने कई प्रकार के पुलाव खाए होंगे, जैसे बम्बू पुलाव, कुकर पुलाव। मटर कढ़ाई पुलाव बनाने के लिए मैंने कुछ सामग्री ली है, जैसे एक बॉल चावल, दो प्याज, मटर, धनिया पत्ता, काजू, तेज पत्ता, किशमिश, काली मिर्च, घी, नमक, जीरा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है, मटर को भी छील लिया है, और ये कुछ मैंने गाजर को कस कर लिया है, और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में अदरक ली है, इलायची है, और मैंने, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने चावल को भी धो लिया है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं कढ़ाई मटर पुलाव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं घी डाल रही हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने 4 स्पून घी डाली है। अब मैं इसमें कुछ मात्रा में जीरा डाल रही हूँ, और जैसा कि आपने देखा था, मैंने अदरक कट करके रखा था, मैंने उसे भी डाल दिया है, और तेज पत्ता भी। मैंने इसे थोड़ी देर फ्राई किया है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। अब कुछ देर तक प्याज को फ्राई करना है, जब तक कि ये हल्के लाल ना हो जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं, प्याज धीरे धीरे फ्राई हो रहा है, यानी कि लाल हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्याज लाल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चावल, जो कि हमने धो करके रखा हुआ था। मैंने चावल डाल दिया है। अब इसे हमें फ्राई करना है, ज्यादा नहीं, मैक्सिममली 5 मिनट तक। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि चावल फ्राई हो चुका है। अब हमने जो सामग्री ली थी, जैसे मटर, कद्दूकस किया हुआ है, गाजर और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हम ये सारी सामग्री अब डाल रहे हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और अच्छी तरीके से इसे फ्राई करेंगे। और हम इसे धीमी आंच में फ्राई करेंगे। सारी सामग्री डालने के बाद हम इसे धीमी आंच में धीरे धीरे, मैक्सिममली 5 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि चावल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के लिए जिस बॉल से हमने 1 कटोरी चावल लिया था, उसी बॉल से हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे। याद रखें कि जितनी मात्रा में हम चावल लेंगे, उससे डबल मात्रा में हम पानी डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें, जैसे कि हमने कुछ सामग्री ली थी, जैसे काली मिर्च, काजू, किशमिश, तो ये सब अब हम डालेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमने इसे डाल दिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। स्वाद अनुसार नमक। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने सारी सामग्री डाल दी है। अब इसके बाद हम नमक डाल रहे हैं। 2 स्पून नमक हमने डाला है। अब इसे हम छोड़ देंगे ढककर लगभग 20 मिनट, जब तक कि ये पानी सूख ना जाए। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि पानी पूरी तरह से सूख चुकी है, और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये बहुत ही अच्छी स्मेल कर रही है, और ये अब हो चुका है। अब हम देखेंगे कि ये चावल बॉयल हुआ है या नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि चावल बॉयल हो चुका है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारा मटर कढ़ाई पुलाव
पूरी तरह से तैयार हो चुका है। गाइज आप लोग एक बात पर ध्यान देंगे, मैंने इस डिश का नाम मटर कढ़ाई पुलाव रखा है क्योंकि इसे स्पेशली कढ़ाई में बनाया जा रहा है। अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ये सर्व करने के लिए भी तैयार हो चुका है, जैसा कि अब हम इसे सर्व करेंगे। गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मटर कढ़ाई पुलाव पूरी तरह से तैयार है। गाइज अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।